पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पेड़ पौधों से है। धर्म शास्त्रों में भी पेड़ पौधों का बहुत महत्व माना गया है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। पेड़ पौधों का सीधा संबंध ब्रह्मांड में विचरण करने वाले ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव से भी होता है। जिस प्रकार कुछ पेड़ पौधे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, उसी तरह से कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से पेड़ घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ लोगों के घर में बेर का पेड़ लगा होता है क्योंकि बेर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में बेर का पेड़ लगा होना आपके जीवन में कितनी परेशानियां लेकर आता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए और बेर के पेड़ में कांटे लगे होते हैं। इस कारण यह पेड़ नकारात्मक प्रभाव देता है और घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार इमली का पेड़ नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने वाला होता है। आपको घर के अंदर भूलकर भी इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में इमली का पेड़ लगा होने से घर के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि इमली का पेड़ लगा होने से आसपास नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है और बुरी नजर लगने का डर रहता है। हालांकि बाग बगीचों में इमली का पेड़ लगाया जा सकता है। पीपल के पेड़ को वैसे तो बहुत शुभ माना गया है, लेकिन इसे घर में या घर के पास नहीं लगाना चाहिए। कई बार बारिश के मौसम में घरों में पीपल का पेड़ उग जाता है, जिसे कई बार लोग लगा रहने देते हैं, लेकिन यह सही नहीं रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पीपल के पेड़ से आपको धन की हानि होती है। यदि आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ले जाकर मंदिर में या फिर किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। कुछ लोगों के घर में मदार का पौधा लगा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है, वे पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और इसकी वजह से घर के मालिक को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अपने घर में सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन खजूर के पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इसको घर में लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है, साथ ही परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। वास्तु के अनुसार घर के अंदर कभी भी केला, नींबू और कदम्ब का पेड़ ना लगाएं, क्योंकि जिस घर में ये पेड़ होते हैं उसका मालिक कभी भी विकास नहीं करता है। उसे हमेशा धन के अभाव का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व दिशा में कभी फलदार पेड़ नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे संतान की हानि होती है। वहीं पश्चिम दिशा में लगे कांटेदार पेड़ से शत्रु का भय सताता है और दक्षिण में दूध वाले पेड़ लगाने से धन की हानि झेलनी पड़ती है। वहीं दक्षिण पूर्व दिशा अर्थात आग्नेय कोण में पलाश, जवाकुसुम, बरगद, लाल गुलाब के पेड़ पौधे अशुभ और कष्टदायक होते हैं। इस दिशा में लाल फूलों वाले वृक्ष और लताएं तथा कांटे वाले वृक्ष अनिष्टकारक एवं मृत्युकारक माने गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर कुछ नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। ऐसी ही तमाम रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन ले। धन्यवाद।